नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के कौदम्बरी रोड स्थित डहर बारा गांव में अनोखी पहल से ईश्वरीय चमत्कारिक से एक से बढ़कर एक जटिल बीमारियों का हो रहा है इलाज। बताया जाता है कि रांची, पटना, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर आदि जगहों से इलाज नहीं हो पाने के बाद यहां पहुंच रहे हैं और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह है कि यहाँ तेल और पानी से समुचित इलाज हो रहा है। इधर इस बात की सूचना BNB टीम को जब लगी तो पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व इस स्थान पर धर्मांतरण की बात का आरोप लगाकर जमकर हंगामाबाजी भी हुई थी। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में मामला कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहां पर सनातन धर्म की भी जय जयकार हो रही है और ईसा मसीह की प्रार्थना भी हो रही है। यहाँ की संचालिका तारा देवी का कहना है कि आपसी रंजिश के कारण मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सत्य कुछ और है। कहा कि हम नवरात्र भी करते हैं, रामनवमी और छठ महापर्व भी करते हैं, यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। इधर हमारे BNB चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन प्रेम कुमार माही के साथ देखें ग्राउंड रिपोर्ट में क्या हकीकत, क्या फसाना। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए ले चलते हैं आज आप सबको गिरिडीह जिले के झबुआ प्रखंड के कौदम्बरी रोड के जमखकरो, जहाँ पर प्रार्थना, भजन, हनुमान भक्ति, शिव भक्ति सबकी आराधना की जाती है और कई तरह की यहाँ पर बातें और चर्चाएं हो रही थी। पहले भी BNB आप लोगों को दिखाया था इस मामले को लेकर के, बताया जा रहा था कि यहाँ धर्मांतरण की भी बातें होती है और धर्मांतरण भी कराया जाता है। इस बात को लेकर BNB ने जांच पड़ताल किया था, जिसमें बातें बहुत कुछ निकल करके सामने आई थी और आज फिर पुनः BNB की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। तो आप भजन यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं, प्रार्थना होते हुए देख सकते हैं, हनुमान जी, शिव जी, हनुम सबकी आराधना करते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है। दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं। बताया जाता है कि बिहार के गया जिले से भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने बीमारियों का इलाज करवाते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर लोगों को लाभ मिल रहा है और आकर के लोग दूर दराज से आ रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज स्वतः यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ का जो माता जी उनके द्वारा इलाज कराया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग जो आए हुए उन्हीं लोगों से जानते हैं क्या हकीकत है और क्या फसाना है और क्या सत्य है और क्या असत्य है, तो वही लोग बताएंगे जो लोग यहाँ पर आए हुए। कहाँ से आए हुए भांजी आप? हम भंडारों से आए हुए, गिरिडीह भंडारों। हाँ, गिरिडीह। क्या हुआ था आपको जो यहाँ पर आए? मेरा बेटा बहुत सीरियस था। अभी कैसा है बेटा आपका? अभी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। कहाँ बेटा आपका? मेरा बेटा घर में। तो यहाँ से ठीक हुआ? हाँ, यहीं पर हम हर जगह इलाज कराए थे। हाँ, सगरे जवाब दे दिया। क्या हो गया था बेटा को आपका? सीने में प्रॉब्लम था। अभी यहाँ से ठीक है? हाँ, यहाँ से ठीक हुआ। तो आप बेटा क्यों नहीं लाए आज? मतलब हर बार बेटा नहीं आता, कभी कभी मतलब उसका ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, तो संडे था, हम बोले चलो बेटा, तो बोला कि बोले हमको कहीं दोस्त घर जाना है। हाँ, इसीलिए नहीं आया। अब पढ़ने उठने के लिए सब जगह जाता है? पढ़ने जाता है। डॉक्टर बोला था कि इसको मारपीट नहीं करिएगा, मतलब जोर से रोना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। क्या ऐसा चीज दे दिया इन्होंने जो ठीक हो गया? वही जो तेल पानी जो यहाँ मिलती है ना, जो ईसा मसीह जो दुआ करती है। हाँ, वही वाला तेल पानी बोतल में मिलता है, वही वाला यूज किया। हाँ, मेरा बेटा ठीक हो गया। क्या किया, पानी को पिलाए? हाँ, पानी का थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा तेल डाल के। हाँ, प्रभु का नाम लेके, ईसा मसीह का नाम लेके पिलाए तो मेरा बेटा ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी कौन देवी देवता को आप मानते थे? हम सभी देवता देवी, हम हिंदू धर्म में सभी देवता देवी मानते हैं। और यहाँ वाला भी मान रहे हैं? यहाँ वाला भी आए तो मेरा बेटा ठीक हो गया, तो इनका भी मानते हैं। इनका भी मानते हैं, पहले वाले भी मानते हैं? हम सब मानते हैं, पहले वाले भी मानते हैं। और आज सब करते हैं, है? तीस बरसा भी छठ पूजा सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, खुद हम अपने करते हैं। अच्छा अच्छा, आप माता जी कहाँ से हैं? क्या आपका बीमारी था यहाँ पर? बीमारी था बाबू, पहले हम लोग बहुत परेशान में रहते। हाँ,
और जिस दिन हम लोग यहाँ आए हैं उस दिन से सारा परेशानियाँ ने पिता हल कर लिया। यहाँ जो सच्चाई और विश्वास करके जो आते हैं उसका टोटल चढ़ाई मिल जाते हैं। क्या बीमारी था जो ठीक हो गया? मेरा गैस था पहले। गैस था, अभी ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। भजन कीर्तन होता है यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग निर्जला एकादशी करते हैं, हम लोग छठ व्रत करते हैं, हम लोग दुर्गा एकादशी अभी जो दुर्गा जी को होता अष्टमी वो भी करते हैं, सारा त्योहार करते हैं। यहाँ बोले धर्म उरम परिवर्तन करवाता है? गलत बात है। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करवाते। यहाँ पर कोई मांग नहीं है, यदि आपको राधी खुशी हो बाबा 500 देवघर हम लोग जाते हैं, सुल्तानगंज हम लोग जल उठाए और उस जगह से हम लोग आए और मेरा बेजोड़ बुखार लगे थे जो घर गए हम लोग बोल करके गए थे और यहाँ वहाँ से आए अपना घर में और यही का जो तेल पानी था वो हम लोग अपना बहू के कहें कि मेरे शरीर में जो है सो पोछा लगा दो, पट्टी दे दो, मेरे शरीर में पट्टी दिए, मेरा सारा बुखार उतर गए। प्रभु बहुत महान है, बहुत दयालु बहु, सच्चाई विश्वास जो मान करके आते हैं बिना बुलाए हुए, आप किसी को विश्वास जो मान करके आते हैं उसकी बीमारियां दूर भागते हैं। आप कहां से आए हुए हैं? क्या बीमारी था जो ठीक हो गया? हाँ, कलकत्ता में दवा खाई और तेल पानी पीने से हमको 10 साल हो गया, दवा नहीं खाई। अभी ठीक है? अभी ठीक है, दवा हम बिल्कुल जब से खाते नहीं, दवाई नहीं खाते, वही तेल पानी से ठीक हो जाता है। गजब का ही करिश्मा कहा जा सकता है कि तेल पानी से यहाँ पर इलाज हो रहा है। और कहाँ से आप आए हैं भैया? गया, बिहार से। क्या हुआ था आपके यहाँ? हमारे बच्चे को मुंह से तेल आता था। ये बच्चे का? ये बच्ची है और दो बच्चे और हैं। अच्छा, भी है साथ में। जब यहाँ से हम आने लगे यहाँ तो यहीं से ठीक हुए, यहीं से हुआ है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? ये हम दूसरी बार आए हैं, पहले हम 3 दिन रह के गए, यहाँ से राहत हो गया, फिर आ जाए। गया बिहार से आए हैं, तो ये आपका बच्चा है? क्या नाम है गुड़िया? अभी कैसा लग रहा है? पहले कैसा गड़बड़ लग रहा था? पहले ठीक नहीं लग रहा था, यहाँ आई तो ठीक हो गई, चंगा हो गई। क्या नाम है बेटा आपका? हैं? रिया कुमारी। तो देख सकते हैं ये भी बीमार था क्या? क्या नाम है बाबू? अभी ठीक लग रहा है? देख पा रहे हैं कि यहाँ बीमारी कैसा भी हो बीमारी ठीक होते हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ से है भैया? हम राजदेवी से हैं। हाँ, हमको मुंह में जख्म हो गया था ऐसे तकरीबन 5 साल पहले। हाँ, हम राघव शरण रांची में दिखा रहे थे, राघव शरण सभी लोग जानते, बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, हाँ, फेमस। 2000 रुपया फीस लेता था देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमको। हाँ, हम दवा खाते खाते तबाह हो गए। आज भी मेरे गले में कहीं कहीं काला काला से निशान है, इधर भी है, आप देख पा रहे होंगे। मैं जब थक गया तो मैं यहाँ पे आने लगा, मैं दवा बिल्कुल मेरा बंद हो गया और मैं ठीक हूँ। मैं बेलर टाउन में दवा खाया, लोकल दवा खाया, तकरीबन 1.5 साल मैं 1.5 लाख रुपए से ऊपर खर्चा कर चुका, मैं बर्बाद हो गया। लास्ट में मैं यहाँ पे आया, मैं ठीक हो गया। इसके बीच में मेरा एक बार पैर टूट गया, तो मेरे पास पैसा तो नहीं था, मैं इलाज नहीं कर पाया। तो देखिए, आप देख सकते हैं हल्का सा सूजन है, सूजन जैसे दिखता है, 4 साल हो गया। तो इसी तरह मैं पैर टूट गया, खाली गर्म पट्टी बांधे थे और मसीह जी जब भी यहाँ से निकलते थे खाली पैर से हल्का मार देते थे, जैसे कहते हैं मतलब कि पैरों तले शैतान को कुचला जाता है। इसी तरह तो मेरा पैर भी निशान छूटा हुआ, लेकिन पैर मेरा भी ठीक है। मैं गाड़ी उड़ी चलाता हूँ, मैं फल भी बेचता हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे बाबा सिर था 12 साल से, मेरा बड़ा बड़ा कभी फोड़ा हो जाता था, गुड़ जैसे फोड़ा जाता था, तो उसको फोड़ते थे तो आराम हो जाता था, पक जाता था। मैं राजधनवार में जैसे सर्कस मैदान, उसके पीछे एक चांसी है सर्कस मैदान के बगल में, वहाँ पे दिखाया तो क्या बोला, अरे बोला जल्द से जल्द इसको ऑपरेशन कराना, कैंसर पकड़ेगा तो मर जाएगा तुम। लेकिन मैं यहाँ से तेल लगाता रहा और प्लस मैं तेल पानी पीता रहा, मेरा बाबा सिर भी ठीक हो गया और मैं बिल्कुल सही हूँ। आप समझ पा रहे हैं कि बीमारियां कहते कि रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, तो आंधियों में चिराग जलते हैं और दूर दराज से जो लोग यहाँ आते हैं उनकी भी इलाज ठीक होते हैं। कहाँ से आए आप? क्या बीमारी है आपका? कब से यहाँ आ रही हैं आप? अभी ठीक है? पहले से ठीक है? हर रविवार को आती हैं आप? अच्छा, अभी ठीक है?
देख पा रहे हैं और दूर दूर से लोग आते हैं और कह रहे हैं कि ठीक होते हैं। यहाँ पर कुंड भी बनाया गया जहाँ अगरबत्ती जलता है और लोग यहाँ पर प्रार्थना भी करते हैं। देख पा रहे हैं यह स्थान है, यहाँ पर अगरबत्ती जलता है और दीप जल रहा है, यहाँ पर और दीप जल रहा है जो आप देख पा रहे हैं। अड़हुल का फूल भी यहाँ पर है और यूँ कहें कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लगभग पहुँचते हैं। पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ है। कहाँ से आए माता जी आप? क्या बीमारी था आपका? अभी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। मतलब कैसे ठीक हो जाता है यहाँ? यहाँ कैसे ठीक हो जाता है ना? हाँ जमुआ गिरिडीह हनुमान रांची भैरो सब लोग बहुत लग गए। सब फटे तो करते फिर ठीक ना रहे। तब कोई बात मैंने बता दिया कि फलनी जगह चल जाए तो ठीक हो जाए। फलनी जगह चल गए यहाँ तो यहाँ के ठीक हो गए। कौन सी दल को यहाँ ठीक हो गई? तेल पानी से। अपने विश्वास के अंदर में तेल पानी से प्रभु की दया से ठीक हो गए। प्रभु की दया से ठीक हो गए। तो की हेलो बेटा यही से हुआ है तो देख पा रहे हैं। संतान की भी प्राप्ति होती है यहाँ पर। अगर संतान की इच्छा हो तो भी उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। क्या कहाँ से है माता जी? अच्छा अभी ठीक है? अभी ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है कि कलकत्ता दिल्ली मुंबई भेलोर रांची पटना सब जगह से लोग घूम जाते हैं और यहाँ पर ठीक हो जाता है। आखिर ठीक होने का रहस्य क्या? यहाँ की जो मौसी है माता जी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे जब जाके जानकारी होगी कि आखिर क्या हकीकत है और क्या फसाना है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि तेल पानी से आखिर क्या सही इलाज होता है। यह भी एक अचंभित करने वाली बात है। और कहते हैं कि लोग जब तेल पानी का प्रयोग करते हैं तो चंगा हो जाता है। कि मन विश्वास कहते हैं, यहाँ विश्वास भी करना जरूरी है और जो विश्वास के साथ आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहाँ से है चाचा आप? हाँ कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? 12-15 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। धर्म परिवर्तन का लग रहा है आरोप? नहीं करवाया जाता है। पहले धर्म परिवर्तन के लिए बहुत हल्ला हंगामा यहाँ पर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भजन होता है, हनुमान जी भजन सब होता है, सब होता है, भजन होता है, जी का होता है, हनुमान जी का होता है, शंकर जी का होता है। क्या नाम आप बताएं? तो देख पा रहे हैं अर्जुन साहब हैं, कहाँ से? दसोडी से। और कह रहे कि यहाँ पर सब तरह का भजन और कीर्तन होता है। कहाँ से आए लो माता जी? तो कौन सी हॉल है जरा? हाँ तो
करती दवा करती लगले लगले एक आठ दिन तबियत लग गई सर। हम 10 साल से निकल गए वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल। अच्छा तोरा यहाँ कहा कौन की है और ये दोस्तों धर्म बदल दो ना कह ले झूठ नहीं बोले ना जितना चावा है प्रभु जी से चावा हम सब करो ये धर्म बदले नहीं कर ले धर्म बदलने की बात सामने नहीं आ रही है। और अगर आरोप कोई लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं इसके लिए खुलासा करने वाली बात है। हम लोग चलेंगे उस मौसी के पास जो जिनके माध्यम से यहाँ पर इलाज हो रहा है और आप देख पा रहे हैं उन्हीं का यह कार्यालय है उन्हीं का यह ऑफिस है और यहीं उनका प्रभु का प्रार्थना यहाँ से प्रारंभ होता है। और बताया जा रहा है कि सब तरह देवी देवताओं का भी यहाँ प्रार्थना होता है उनसे बातचीत होती है और लोग यहाँ पर आते हैं और चंगा होकर कह जाते हैं। हम लोग उसी मौसी के पास चलेंगे और आज बात करेंगे मौसी से कि आखिर कैसे ये बीमारी ठीक हो पा रहा है और कैसे इनका इलाज करवा रहा है कैसे ठीक हो जाता है। हम लोग चलेंगे बात करेंगे और लोग काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए बुढ़िया तुम? झाझा झाझा बिहार से। कब से आ रही हैं आप? पहली बार आई है। क्या बीमारी हो गया था? ऐसे ही आते हैं? मेरे साथ आई है। हमको मतलब रीढ़ के हड्डी में पूरा गांठ है और ट्यूमर बना हुआ है। हम भेलाओं से दिखाए हर जगह दिखाए जितनी मेरी शरीर की वजन है उससे ज्यादा मैं पैसा खर्च कर चुकी हूँ लेकिन कहीं चंगाई नहीं मिला। आज हम 5 महीना से यहाँ आ रहे हैं और हम मेरे अंदर बहुत सारे ताकत आ रहे हैं। मेरे पैरों में मेरे कमर में हर जगह मुझे ताकत मिल रही है। क्या नाम हुआ माता जी आपका? मेरा रेखा देवी। कहाँ घर हुआ? झाझा। तो 5 महीने से आ रहे हैं? 5 महीने से आ रहे हैं। अभी ठीक है आप? हाँ ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं दूर दराज के भी लोग आते हैं और बीमारी चंगा हो जाता है। कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्या हकीकत है क्या आखिर मामला है और कैसे मौसी ठीक करती है और कैसे प्रभु की प्रार्थना करती है और कैसे प्रभु प्रार्थना सुन करके बीमारियों को ठीक करती है। आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं उसी मौसी से जिनके माध्यम से यह बीमारियों का इलाज होता है। हम लोग उन्हीं मौसी के पास चलेंगे और बात करेंगे और आखिर उन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है मौसी। आखिर यह जो इलाज करते हैं आप कैसे करते हैं और कैसे लोग चंगा हो जाता है कुछ क्या राज है बताइएगा थोड़ा सा। राज के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा कोई राज नहीं है। हमारा राज यही है जिसे परमेश्वर ने कहा। मेरा माँ बाप गरीबता में थे। हम गरीबता करते थे खाने ठिकाना था पर वस्त्र नहीं होता। कब पढ़ाते हम तो कलालीपन में जीवन बिता रहे थे। ऐसे परमेश्वर ने कहा संसारिक माता पिता धोखा दिया वो नहीं पढ़ा पाया। ऐसे जिस दिन से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा किस्मत ने दाखिल दिया हम बिल्कुल मूर्ख है अनजान है। ऐसे तब से पिता ने अपना सुंदरता को मुलाकात दिया। मेरे गोरटोली घर है और वहाँ हमारा एक बुजुर्ग सास है वो सास हमारा कहानी को जानते हैं। ऐसे हम एक दिन दुखिया महादेव कहते हैं शिव जी का मंदिर यही है हीरोडी के बगल में। हमारा दो लड़का जब खराब हो गया था ना हम रोज पीट रहे थे तो हमारा होश आवास नहीं रहता। तो वो सास सोमवार को दिन बोली बेटा तुम क्यों इतना रोती है तुम्हारे को होगा? हम बोले ठीक है। बोला चलना हम ले जाएंगे कल सोमवार को दुखिया महादेव जगह है। तो हमारे नहाए धोए तो 11 बज गया तो हम गए पैदल गए। माँ भी गई सास जो लगती है वो गई अभी भी जिंदा है बुजुर्ग एकदम चलने लग नहीं है वो तो गए। तो जो सब चढ़ा चढ़ा के चले गया था बाबू तो हम गए चढ़ाने बेल पत्थर था फूल था और मिश्री था अगरबत्ती था यही हम लेकर चढ़ाने गए पर अमरूद था चढ़ाने गए थे। तो हम चढ़ाए और ऐसे आते जैसे किए प्रणाम किए तैसे जितना उसमें बेल पत्ता और जितना फूल और जितना अच्छत और जितना पैसा 5 रुपया चलता था उस समय वो सब मेरा लट में आ गया। आ जाने के बाद हम तो घबराने लगे कि कैसे आ गया। सास जो थी मेरे खड़ी वो बोला तू क्या किए कि जितना बेल पत्थर जितना अच्छत और जितना पैसा और जितना तुम्हारे फूल सब तेरे लट में जो आ गया बाल था इतना इतना आ गया। तब मैंने बोला झाड़ो झाड़ो ऐसे करो हम तो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए झाड़े तो नहीं आया चल। तो वहाँ से चल आए बोला झाँप लो बुढ़िया बोला झाँप लो। तब आए तला जहाँ बतिस्मा दिए बाबू बतिस्मा दिए तब बोला वो सास कि बेटा वहाँ पर नहीं बाढ़ से आया नीचे तो तालाब का अंदर तुम गिरो है तालाब में खड़ा हो देखो क्या है।
तो हम तलाब में खड़ा हुए जैसे ऐसे किए सब आ गया आँचल में, आँचल में आ गया वो बोला बांध लो बांध बांध लिए तो हम आ गए घर आए तो प्रभु का उसी दिन से सब कार्यक्रम शुरू। आप पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर भी आप इतना भजन गा लेती हैं, इतना मंत्र इतना पढ़ लेती हैं, सब कर लेती, कैसे कर लेती हैं? ऐसे प्रभु का कृपा है, प्रभु का कृपा, शंकर जी का कृपा, दाता दानी का कृपा, वो प्रभु मेरा अंदर काम करता है और काम करने के दौरान वो सिंचाई को अनमोल बनाया है। कौन कौन बीमारियों का इलाज यहाँ पर करती है? यहाँ कोई भी आए शुरू से जब तक कोई भी आए ऐसे प्रभु उसको खाली नहीं भेजेगा, उसको दान देकर नहीं भेजेगा। कोई भी बीमारी आता है यहाँ होगा दान देकर भेजेगा। यहाँ पर कई बार आरोप लगता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, आप हिंदू से ईसाई बना रहे हैं, ये सच बात है क्या? यदि हम आज तक किसी को ईसाई बनाए होंगे तो मेरा शरीर है ना, ये शरीर किस लिए रखेंगे? मैं अपना अपना बजरंग बली का धाजा मेरे घर में है, मैं छठ व्रत अपने ही करते हैं, है नवरात्र अभी हम लोग का कल स्थापन पड़ेगा, हम लोग 9 दिन उपवास रहेंगे, 9 दिन हम लोग का उपवास होता है, है और हम लोग कलश उठाते हैं, कलश को हम लोग को घर में माना जाता है, 9 दिन नवरात्र करेंगे, हम लोग को जिस दिन उपवास रहता है उस दिन मिशन बोल प्रत्येक अतारी का, उसके बाद जिन दिन छेद होता है उस दिन पट्टा का चलता है हम लोग को आंगन। तो यहाँ पर सुनते पुलिस वुलिस भी आ गया था, बोला धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो और अगल बगल से जांच कर लीजिए सर, यदि हम गलत बोलते हैं ना हम पर किसी को विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों फोन किया? कोई कोई कुछ वो किया जैसे पुराना मामला हमारा घर का बहुत चल रहा है, हमारा सास ससुर नहीं गुजर रहे तो हमारा जितना जेठ महिला जेठ हम 3 भाई हैं, हर वो तीनों में सास ससुर गुजर गए तो हमारा जेठ मालिक, हम लोग मजदूरी किए मेहनत किए हम लोग जो भी काम किए सब उसी को दिया हमारा मालिक का रखा भैंस महिला वो कमा कमा के लिया मालिक था वो दिया सब, अब वो कमा करके सब पैसा रखा कुछ जमीन लिया कुछ मकान बनाया कुछ जमा किया होगा हम तो नहीं जानते ऐसे, वो जमीन हम लोग को जब बाल बच्चा हुआ शादी विवाह हुआ तो उसको हम जब मतलब आपसी दुश्मनी के कारण आपको फंसाने का प्रयास किया गया तो मांगने लगे हम लोग कि हम लोग को भी हिस्सा चाहिए ना, तो सीधा बीवी का नाम पर दान पत्र में कर दिया, दान पत्र में बोल दिया कि मेरा कोई बतिया नहीं कोई भाई नहीं है, हम दान पत्र में ये जमीन को सपनी देवी रखनी रखे उसके हम दान कर देंगे, अपना नाम से बीवी का नाम पर कर दिया। इसमें मुकदमा चल रहा है, पानी हो रहा है, 46 है कोर्ट में, सारा परिवार किले गया पर वो हमारे पास है मैंने जिस दुश्मनी के कारण आपको फंसाने का प्रयास किया। अच्छा ऐसा है माता जी, आपको बहुत लोग देख रहा है टीवी पर, अभी जो चलेगा लोग देखेंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश प्रभु की तरफ से यही देंगे कि हमारे जितने जगत का दाता है, हमारे सनातन धर्म में जितने भी परमेश्वर का वाणी है, माता हो, देवी माता हो, सरस्वती माता हो, बजरंग बली हो, हनुमान जी हो, विष्णु जी हो, ये सब के लिए हम स्वागत करते हैं। मेरा श्रद्धालु जीवित रहे और ये पवित्र रहे पूरा क्षेत्र में ये मानव का श्रेष्ठ है। तो जैसे नारा कोई लगाएगा तो नारा भी आप लगाते हैं, भजन भी करते हैं, तो प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, काली मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नारा, धर्म का नारा, प्राणियों में नारा, प्राणियों में नारा, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। अगर धर्म परिवर्तन होता तो इस जगह पर सनातन धर्म का जयकार नहीं होता, तो निश्चित रूप से मामला कहीं ना कहीं रंजीश की वजह से ये महिला के साथ जो मौसी जो है, जो माता जी है, इनको फंसाने का लगभग प्रयास किया जा रहा है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सत्य सत्य होता है और सत्य की अंतोगत्वा जीत होती है। तो माता जी बहुत खुशी की बात है, नवरात्रा है और श्रद्धालु काफी लोग आए हुए, किस विधि से आप इलाज करते हैं लोगों का, कैसे इलाज करते हैं थोड़ा सा बताइए। बस मैंने प्रार्थना करूंगी जैसे अभी किए, तेल पानी से क्या करते हैं? तेल पानी हम उसको दे दूंगी, चप्पा कल में पानी भरेगा, चप्पा कल है यहाँ पानी भरेगा, दुकान में 10 रुपया 5 रुपया जो जुड़े आटे उसको तेल लेगा, मैं दुआ करके दे दूंगी, अपना घर परिवार में
तेज पानी ले जाने से इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। राजेंद्र जी, आप यहाँ पर काफी दिन से पुराने आ रहे हैं, माता जी पर कई आरोप धर्म परिवर्तन का है, क्या है मामला? मामला जब से मैं यहाँ आया हूँ तो विचित्र चीज मैंने देखा, अनहोनी चीज को होते हुए मैंने इस स्थान पे पाया और माँ के ऊपर परम पिता परमेश्वर का असीम कृपा है जो आज इस जगह पर जितने भी यात्री लोग आते हैं, मैंने कैंसर की बीमारी को यहाँ ठीक होते हुए देखा, हार्ट की बीमारी को ठीक होते हुए देखा, प्लेटलेट की बीमारी को ठीक होते हुए देखा, ट्यूमर की बीमारी को ठीक होते हुए देखा, और जो अभी आपको यहाँ 10-20 लोग ऐसे मिलेंगे जो डायलिसिस भी हुआ था, डायलिसिस पर चल रहा था किडनी का, लेकिन वैसे वैसे लोग यहाँ से चंगाई पाए प्रभु की कृपा से। प्रभु महान है, उनकी असीम कृपा है, और आज उसी के तहत मैं बर्बाद हो गया था। मैं तो सोच लिया था कि जीवन में अब हमारी नैया डूबने वाली है। हमारी पत्नी को भिलौर में जवाब दे दिया, चेन्नई में जवाब दे दिया, रांची रिम्स में डॉक्टरों का बोर्ड गठन करवाया गया डॉक्टर तुलसी बाबू के द्वारा, और उसके बाद हमको बताया गया 10-12 लाख रुपया खर्च करने के बाद पुनः बताया गया कि इनको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, और ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का इलाज करने के लिए आपको या तो जमशेदपुर जाना होगा या नहीं तो मुंबई ले जाना होगा। लेकिन एक बात है राजेंद्र जी, क्योंकि डॉक्टर तुलसी प्रसाद हमारे बेंगाबाद से आते हैं, मातू जी वो बताएं कि 100 में 99 आदमी फेल्योर जाता है, एक ही आदमी सक्सेस होता है जिनका किस्मत सही निकलता है, यदि किस्मत भाई के साथ दिया तो। और उस स्थिति में हमारे पास पैसा कौड़ी बिल्कुल नहीं था, 10 रुपया के लिए भी मेरे को सोचना पड़ता था। मैं मरणासन अवस्था में इनको टांग करके लाया, अपनी पत्नी को बाप बेटा मिल करके इनको गाड़ी से उतारे। गाड़ी से उतारने के उपरांत मौसी देखी, मौसी बोली क्या बाबू इस भवन में तुम कैसे आ गया, किसके कहने पर आया? हम बोले माता जी आज 2 वर्षों से सुन रहे थे लेकिन नहीं आ पाए, आज मैं आया हूँ। तो बोल क्या जरूरी है जो आप आए और आपका बीमारी ठीक हो गया? मैंने एक स्वर में कहा माता जी से कि जब दुनिया के लोग यहाँ से ठीक हो के जा रहे हैं तो हमें भी आत्मा ये गवाही देता है कि मेरी भी पत्नी यहाँ ठीक होगी, और मैं अपनी पत्नी को यहाँ से दिया हुआ तेल पानी का सेवन करवाया, घी का सेवन कराया, आज 4 साल से मेरी पत्नी स्वस्थ है। नहीं, आई हुई पत्नी आई है, देख पा रहे हैं ये आई हुई यहाँ पर राजेंद्र जी जो कह रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी बिल्कुल स्वस्थ है। प्रार्थना में हर रविवार को आते हैं आप? हर रविवार को आते हैं, स्वस्थ हैं, और काफी परेशानियों का इनको सामना कहाँ से? हाँ, इस बीच में आज से कुछ दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा मुझ पर और माता जी पर आरोप लगाया कि यहाँ धर्म परिवर्तन का कार्य करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद बात है। यहाँ किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती है। हम लोग जब आते हैं तो बजरंग बली का भजन होता है, माँ दुर्गा का भजन होता है, और साथ ही साथ यीशु पिता का भी भजन होता है, साथ ही साथ यीशु पिता का भजन होता है। और इस प्रभु के भवन की असीम कृपा है, जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से लगन लगा करके यहाँ आता है, वो चंगा हो जाता है, इच्छा पूरी करते हैं परम पिता परमेश्वर, उनके आगे किसी का नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं काफी धर्म परिवर्तन का कार्य यहाँ नहीं किया जाता, देख पा रहे हैं लोग भावुक हैं, और भावुक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काफी बीमारियों से लड़ रहे हैं, उसकी बीमारी ठीक हुआ है। कहाँ से आए आप? हम राजगढ़ से आए हैं। हाँ, हम कुछ दिन पहले बहुत परेशान थे, एक छोटा सा टीचर थे हम, मैं पढ़ाते थे, तो अचानक मेरा शरीर में धड़कन तेज हो जाता था, हम माता कुछ काम नहीं कर सकते, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाए, रिपोर्ट में हमको कुछ मने नहीं निकला, तो आप कुछ है ही नहीं, तो 2-3 डॉक्टर के पास गए, सर एक ही जवाब दिए। फिर हम कहीं कहीं झाड़फूंक भी कराए, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, तो किसी तरह से हमको यहाँ के बारे में पता चला, तो कहते हैं कि दवा के साथ धुआं का भी जरूरत पड़ता है, तो हमने यहाँ रास्ता पकड़ा, जब
जिस दिन से आया तो हम रोते हुए आए और जब भी आते थे रोते रहते थे। हम मौसी को बताए, मौसी हमको मेरा धड़कन तेज हो जाता है, माथा काम नहीं करता है। तब बोलते आप झूठ मुक्का मैंने ड्रामा करते हैं, लेकिन जिस आदमी के अंदर होता है परेशानी वही जानता कि परेशानी किसे कहा जाता है। हाँ, मेरा बच्चा लोग भी बोलता था कि तुम झूठ मुक्का परेशान होती है, लेकिन नहीं, मेरा दिल जानता कि हमको कैसा लगता था। हम मौसी के पास मैंने आने शुरू किए संडे को संडे, बोली कि आप आइए, तुम रो मत, तुम ठीक हो जाएगी। और उस दिन से हम आए, तेल पानी दी, मौसी मेरे सबके लिए दुआ करती, तो मेरे लिए भी दुआ की। वही दुआ आज सबसे कहा जाता है, सबसे बड़ा चीज विश्वास है। विश्वास कीजिए, आपको मैंने हर बीमारी, शैतानी हवा, दुष्ट आत्मा जो भी है सब ये हर लेगी, हर लेगी। निश्चित रूप से दुआओं की असर दिखाती है जिंदगी, प्रभु यीशु के नाम पर बीमारी ठीक होकर के खुश होती है जिंदगी निश्चित रूप से। और खुश भी है, और काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफी श्रद्धालुओं से और आप लोगों को बात कराएंगे नेक्स्ट एपिसोड में या एपिसोड तब तक के लिए आप लोग से हमारा यही होगा कि ऐसे स्थान पर एक बार देखें। और अब कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे उनमें से अभी तक बातें खुल करके नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों का गुणगान होता है, सभी धर्मों का यहाँ भजन होता है, यहाँ सभी धर्म के लोग भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी यहाँ पर आते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, वो भी आकर के चंगे होते हैं। कभी नहीं बोली, कितने साल से आप आ रही हैं? 4-5 साल से आ रहे हैं। अपना हम लोग मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, मैंने जहाँ इच्छा हम लोग पूजा करते हैं, और यहाँ भी आकर के इनको भी मैंने अपना विश्वास बनाए रखे निश्चित रूप से। विश्वासम फलदायकम, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है, वहीं प्रभु है, और वहीं पर बीमारियों का इलाज है निश्चित रूप से। और भी बीएनडी आप लोगों को दिखाएगी। और बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों का हित हो। जी हम 2012 से आ रहे हैं यहाँ, 2012 से आ रहे हैं, तो मेरा बेटा 7 साल का था। अब 7 साल के था तो जब बंद हो गया तो 7 दिन उसका अभी कैसा बेटा आपका लाया है क्या यहाँ पर? अभी हैदराबाद में है, काम करने के लिए गया। ठीक है बेटा, अभी आपका बचेगा, लेकिन मौसी के पास ठीक हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कई तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पर हो रहा है। और कहते हैं दिल्ली, बेलोर, पटना, रांची, कलकत्ता, मद्रास से लोग आते हैं और अपनी बीमारियों का जो इलाज वहाँ नहीं हो पाता, यहाँ पर पानी और तेल से स्वस्थ हो जाते हैं। क्या रहस्य है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है और क्या राज है, ये तो ऊपर वाला प्रभु ही जाने। प्रभु की लीला अपरंपार है। निश्चित रूप से बने रहे आप लोग बीएमपी के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे। एक चाचा और छूट गए हैं, उनसे भी जान लेते। जी बताइएगा। सबसे पहले हम बीएमपी चरण को भव्य स्वागत करना चाहते हैं। नहीं, 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 नहीं। कोडरमा जिला से आते हैं, मेरा नाम कैलाश पति विश्वकर्मा। हम आज
2007 से यहाँ पे जुड़ा हूँ और मैं एक ब्यास हूँ, छोटा मोटा गायक। देख सकते हैं मेरे साथ है, हम एक हारमोनियम मास्टर है, झुटकी की भाषा में बजाते हैं, माँ के साथ भजन कीर्तन करते हैं और हमें 18 पुराण 6 शास्त्र में इनका कुछ न कुछ ज्ञान है। हमने ग्रंथों के भी ढूंढ करके देखा कि परमात्मा ने परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है और उन्हीं के प्रिय पुत्र के रूप में इनको उछाला गया था। इनका रूप अधिक है, कहा गया है रामायण में लिखे हैं तुलसीदास जी कि बिन पग चलत सुनत बिन काना करत जी करत कर्म विधि नाना। कहते हैं कि ना इनका कोई पांव है ना कोई कान है लेकिन परमपिता परमेश्वर वहीं से हमारे संसार के मेन हीरो है वो भगवान कृष्ण है और उन्हीं का गुणगान सारे संसार करता है। बहुत से लोग अध्यात्मिक जो है बहुत से विद्वान कहते हैं कि ऐसी एक देवता का पूजा करो जिसे 33 करोड़ देवता का पूजा हो और हमने इस चीज को माना और इस चीज को जाना और ग्रंथ को भी ढूंढा और मैंने ये पाया, गीता को भी ढूंढा और सारे चीज को ढूंढ करके मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ मैं हर उपवान से ध्यान रखता हूँ। कोई कह नहीं सकता कि मैं विद्वान हूँ लेकिन हमें ये अच्छा लगा, हम एक बीमारी से ग्रसित थे जिसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं, दुनिया समझती है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मैं मेरा क्वालिफिकेशन BA कंप्लीट है लेकिन मैं बोलने का जरा सा भी मुझे ताकत नहीं, न किसी से बात करना, न किसी से बोलना, न किसी से कुछ नहीं और अपने आप में डर लगा रहता था, न ताकत न कुछ काम। और मैं एक कारपेंटर से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे कारीगर के तहत हूँ, मेरे जीवन जो जिसका है वो मैं कारपेंटर से करता हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे पैसे की बहुत सी दिक्कत थी, बाल बच्चे की पढ़ाई में भी दिक्कत थी, हम पैसे से लाचार हो करके हमने कोई कहा गांव वाला हमको यहाँ पर लेके आया। सर मैं सच्ची बात बताता हूँ, आपने झूठ का झूठ और सच का सच किया, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। सरकार आपने ऐसे काम किया है, हम आपको कोटि कोटि का धन्यवाद करते हैं परमात्मा की तरफ से। लेकिन जो यह हिंदू है मुस्लिम और सिख ईसाई, रास्ते एक ही आने का और रास्ता एक ही जाने का। लोग जीवन में कभी भी धर्म परिवर्तन का हम उससे सवाल करना चाहते हैं कि परिवर्तन किसको बोलते हैं, तो विद्वान हमारे पास आवे और उसका चैलेंज करके परिवर्तन इसको कहते हैं। अगर वह अगर लड़की से लड़का बना दे उसको परिवर्तन बोलते हैं सर, दिन को रात बना दे उसको परिवर्तन बोलते हैं सरकार, और ऐसे ऐसे बहुत से अगर पत्थर को कर सोना बना दे उसको परिवर्तन बोलते हैं। समाज में हमारा परिवर्तन का दबाव क्यों आया, कैसे आया, हम ये जानना चाहते हैं। बीएमपी के अध्यक्ष इस तरह से मैं सवाल करना चाहते हैं। तो आ गई ना कि इनका जो मौसी है माता जी है उनका कोई आपसी रंजिश के कारण इसको फंसाने का प्रयास किया जाए। हमने इस चीज को हर एक जगह आपके पास भी सारे गोतिया सारे अगल बगल किसी को भी जो अपना दुख से जो दुखित नहीं है वो दूसरे के सुख से उतना दुख होता है उसको, यही कारण है सरकार जिस तरह से इन लोगों को किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरह जो ऐसा वैसा किया गया था हम लोग सभी जनता मिलकर आप लोगों को 500 आदमी या 600 का सिग्नेचर हेल्थ में इनको कहते हैं कि ये सूचना हमने यहाँ तक नहीं पंचायत ब्लॉक जिला स्टेट और भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक भी इसको पहुँचा करके सूचना अधिकार को सूचना के तहत ये जा नहीं पाते हैं हम लोग, लेकिन जहाँ जा पाए वहाँ हाथ से भी दिए हैं, नहीं जा पाए वहाँ पोस्ट भी किया हूँ और ऐसी कोई बात नहीं। धर्म परिवर्तन के नाम से जो भी बोलता है वो बिल्कुल सरासर गलत है महाशय। इसमें हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो आप देख पा रहे थे कई तरह की बातें निकल करके सामने आई लेकिन हम तो बात यही निकल करके आया कि परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण स्टार है, हीरो है और उनके अनुयायी प्रभु यीशु हैं और उनके माध्यम से माता जी इलाज लोगों का कर रही है प्रार्थना के माध्यम से। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि दिल से की गई प्रार्थना ऊपर वाला कबूल करता है और बीमारियों को चंगा करता है। निश्चित रूप से बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे, क्योंकि BNB सच है। तो बोले जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम, जय प्रभु यीशु, जय बाबा भोलेनाथ, जय कृष्ण कन्हैया लाल। जी तीन साल से नहीं, मतलब मेरे घर में चहनिया 3 साल से, एक साल मतलब 2020 में पड़े थे, 2020 से मतलब एक साल
ठीक लग रहा है? दिमाग में लगता था कि सब चीज छप जाता था जी, सब चीज में मेरे दिमाग में गाड़ी चलता था। आपको आदमी अगर बोलता था, किसी का मुहत होता था, किसी का तबियत खराब होता था, उनका कुछ होता था, मेरा तबियत खराब हो जाता था। मेरा जब तबियत खराब हो जाता था तो मेरे यहाँ से जुड़ने के बाद मेरा ठीक दिमाग फ्रेश भी लगता है, दिमाग अच्छा भी लगता है। अभी ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल ठीक लग रहा है। Thank you.
जी नमस्कार, डीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और खास करके आज जो डीएनबी ऑल इंडिया स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं आरजेडी राजद के